गोभी खाते हैं लोग बाद ऐसी घर के जैसी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कहाँ आ चुका हूँ। कहाँ? इडली वड़ा। यहाँ मारुति सुजुकी अरीना और ये सामने खड़ी है ब्रीजा। तो चलो इसकी टेस्ट ड्राइव लेते हैं। मैं आपको दिखाने वाला हूँ नई वाली ब्रीजा। अंदर से पीछे एसी वेंट मिलेंगे, दो चार्जिंग के स्लॉट मिलेंगे, आगे आपको कुछ ऐसा इंटीरियर मिलेगा जो कि लग्जोरियस इंटीरियर है भाई, सही मायनों में आपको एसी कंट्रोल मिलेगा। और ये देखो इसकी जो कलर स्कीम है, ये है अपनी ब्राउन, मतलब एक तरीके से डार्क ब्राउन बीज मिक्स करके बनाई गई है। और स्पेस मैं ये कहूँगा ठीक है, पहले वाली ब्रीजा जितना ही है। नहीं आई है देखो, ग्रिल व्रिल पूरी चेंज कर दी है इसकी। डीजल नहीं, डीजल तो नहीं दे रहे हैं। आई थिंक दोनों है, अवेलेबल है। अच्छा दोनों, तब तो बहुत अच्छी है। हाँ अच्छी लगी आपको? बहुत अच्छी। लुक बढ़िया नहीं लगी आपको? बहुत अच्छा, पहले तो बहुत बेकार। मेरे को भी अच्छी लगी लुक, इसलिए मैं देखने आया हूँ काफी दूर से। और डायमंड कट एलॉय दिए हैं 16 इंचेस के, जो पहले वाले में आते हैं। ये है टॉप मॉडल जो मैं दिखा रहा हूँ। और यहाँ आई थिंक कंट्रोल है लाइट्स के, लाइट्स के कंट्रोल अलग दिए गए हैं। आपको लाइट दिखा देता हूँ यार, काफी चेंज करा है ब्रीजा में। बी आर स्मार्ट हाइब्रिड कर दिया है। चार इसके साथ वो मिलेंगे आपको, अपना सेंसर, रिवर्स सेंसर जो रिवर्स पार्किंग में असिस्ट करेंगे। आपको रिवर्स कैमरा भी मिलेगा, ठीक करा, मतलब जो कमियां पहली वाली में थी इसमें नहीं है। गाइस अंदर से दिखा देता हूँ, आगे से ये रहा अपना डैशबोर्ड। और ये देखो क्लाइमेट कंट्रोल दोनों साइड के, ये बात बढ़िया लगी। इंटीरियर तो यार बहुत काफ़ी चेंज करा इन्होंने। और ये है मैनुअल पेट्रोल वाला वर्जन। और स्पीडोमीटर भी देख सकते हो, क्या बढ़िया है यार, डिजिटल पूरा। सनरूफ भी मिलेगा आपको इसमें, क्या बात है। अभी चाबी आ रही है, मैं आपको सनरूफ खोल के दिखाऊंगा। सनरूफ थोड़ा यूजफुल हो सकता है। कलर्स अवेलेबल, दिखाना सर सारे, दिखा विद ड्यूअल टोन, क्या बात है। और यहाँ सारे स्पेक्स, ये लो स्पेक्स भी देख लेते हैं। स्पेसिफिकेशन स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल 75 BHP, आइडल स्टार्ट स्टॉप, ट्रांसमिशन, ब्रेक, वेंटिलेटेड डिस्क, ड्रम, रियर के ड्रम, भाई सस्पेंशन भी मैक पर्सन के दिए हैं, काफ़ी तगड़े सस्पेंशन हो, 16 इंची के अलॉय दिए। हमारे सौरभ भाई टेस्ट ड्राइव लेते हुए। अरे हट जाओ जी। सबसे पहले बेल्ट पहनी है। हाँ जी, बेल्ट बहुत जरूरी है सर। इसका थोड़ा आप थोड़ा फीचर बताओ मेरे को। क्या पहला एक काम करो आप, पहले सबसे पहले आप इसको फील कर लो गाड़ी को। अच्छा अच्छा, आराम से बैठ के आपको फीचर समझाए जाएंगे। ठीक है सर, पहले मैं इसको चलाता हूँ। पहले आप चला के रिव्यू दो भैया। कैमरा है बहुत क्लियर है, एक बार इस पे नजर डाल मेरे भाई। कैमरा बहुत बढ़िया ना, 9 इंच इंफोटेनमेंट सिस्टम। और इसका शायद 360 डिग्री भी है ना भैया? 360 व्यू। ओहो हो भाई, 360 व्यू, क्या बात है भाई। नई गाड़ी इसलिए बहुत आराम से चला रहा हूं। काफी अपग्रेड करा इन लोगों ने इस बार इस वाले ब्रेजा में। इधर सीधा ट्रेन भी ले सकते हैं, खाली जगह पे ले जाओ। प्लीज फास्टन योर सीट बेल्ट गाइस। ये देखो 360 कैमरा सर। इसका टॉप मॉडल कितने का है? पेट्रोल वाला। पेट्रोल का आई थिंक ये पेट्रोल वाला पेट्रोल ही है। पेट्रोल में ही है और किसी में अभी आए नहीं है। डीजल में नहीं आई अभी तक? डीजल की तो बहुत टाइम पहले बंद हो गई। और इसकी स्टार्टिंग ही डीजल से हुई थी, पेट्रोल में नहीं आती थी। हाँ, और अब पेट्रोल अब पेट्रोल में आ रही है, क्योंकि डीजल दिल्ली के अंदर बंद है, कोई भी गाड़ी मैन्युफैक्चर नहीं हुई। अच्छा अच्छा अच्छा, गाइस गाड़ी बहुत कंफर्टेबल है, सिटिंग पोस्चर परफेक्ट, एकदम कंफर्टेबल हो गया ना भैया। पहाड़ों पे ले जा सकते हैं भाई, और मजा आ जाएगा पहाड़ों में तो। और इसका स्पीडोमीटर देखो यार, फुल डिजिटल प्लस एनालॉग, इसका थोड़ा सीएस से भी बढ़िया कर दिया। और सर ये हाइब्रिड है, स्मार्ट हाइब्रिड है, मतलब ये क्लच प्रॉपर, क्लच छोड़ेंगे बंद हो जाएगी, क्लच दबाएंगे स्टार्ट हो जाएगी। अच्छा, तो ये ज्यादा एसी वर्किंग करता रहेगा, इंजन स्टॉप हो जाएगा, इंजन स्टॉप हो गया, वर्किंग चलती रहेगी चीजों की। अच्छा, तो ये यही पैडल पर दोबारा शिफ्ट करेंगे अपने आप स्टार्ट हो जाएगी इंजन वर्किंग। और इसकी माइलेज तो फिर ज्यादा होगी पुरानी वाली से। आई थिंक इसकी 25 प्लस होगी। नहीं सर, आप बैठिए पहले फील कर लीजिए सर, प्रॉपर फील करिए गाड़ी को। टेस्ट ड्राइव करते हुए ना मैं चाह रहा हूँ कि आपको पूरा मजा आना चाहिए। ये तो है, कैसा लग रहा है 100 रुपया आप बताओ? मजा आ रहा है यार, मजा आ रहा है, एकदम कंफर्टेबल होके बैठे हो ना आप। पिकअप भी है भाई, अभी थोड़ी यहाँ भीड़ बहुत है यार यहाँ पर दिल्ली में। अच्छा, सब एक नंबर, अपना फोन कनेक्ट करो, मस्त
स्क्रीन थोड़ी ऊपर कर दी है ताकि आराम से नजर जाए, तो स्क्रीन होती है नीचे, किस वजह से पीछे वालों को भी इजीली दिखे, पीछे वालों अच्छा को अच्छा क्योंकि बाकी स्क्रीन नीचे होती है आगे वाले इसमें आपको इसलिए भी लग रहा है क्योंकि 9 इंच है। हाँ 9 इंच, अगर इससे नीचे वाले मॉडल में जाते हैं ना ZXi में आप, वो 7 इंच आ रही है। अच्छा ZXi प्लस है ये, ZXi टॉप मॉडल है सर। अच्छा ये टॉप मॉडल में ड्यूअल टोन और इसमें ऑटोमेटिक भी आती है। हाँ जी ऑटोमेटिक भी आती है इसमें। क्या और लाइटें वही LED दी है वाइट। फीचर्स में सर ZXi और ZXi प्लस में फीचर्स में कमी नहीं छोड़ी है, आप ये नहीं कह सकते कि ये फीचर इसके अंदर नहीं है। थोड़ी गाइस रोड खाली है और भी सही है यार, ब्रेकिंग भी अच्छी है, मन कर रहा है भाई चलाता हूँ इसे। हिल होल्ड असिस्ट भी आ रहा है इसके अंदर है, इसमें कहाँ है वो मोड, हिल होल्ड असिस्ट है सर ये। अच्छा मतलब गाड़ी अगर पहाड़ों पे ले जा रही है ना पीछे, हाँ, तो पीछे की तरफ को ये पीछे नहीं सर नहीं, कि अगर बंद भी हो जाए तो पीछे नहीं जाएगी अगर हम क्लच भी छोड़ दें। अच्छा क्या बात है, अरे बढ़िया नाइस फीचर है, गाइस माइलेज बढ़ा दी और मेरे को तो स्पीडोमीटर देख के लग रहा है कि मैं कोई बहुत लग्जरी गाड़ी चला। इधर ले लूं यहां से कहां जाइए, मेन रोड से लीजिए ना आगे रास्ता बंद, सारा कंट्रोल स्टीयरिंग भी दे दिया है, कोई बंदे को इधर छेड़ने की जरूरत नहीं। ये क्लाइमेट अपना मतलब अपनी साइड का आप खुद कंट्रोल कर सकते हैं, उधर के आप करो दो, इधर के मैं खुद करूँ, तो पीछे भी दो वेंट है, दो वेंट प्लस दो चार्जिंग स्लॉट है, दो चार्जिंग ए और सी, और पीछे जो इसका जो बूट स्पेस है थोड़ा बड़ा है, ये उतना ही थोड़ा सा बड़ा है, कितने लीटर का क्योंकि बूट स्पेस में तो खास अंतर नहीं है, बट यहाँ सीटिंग पोजिशन ये थोड़ा बड़ा है, अंदर का जो है ना केबिन ये कम्फर्टेबल कर दिया, मतलब 5 लोगों के लिए बेस्ट है, 5 लोग मतलब मजे में कहीं भी जाए बड़े आराम से, आर्मरेस्ट भी सही है यार गाइस, थोड़ी मतलब जो पुरानी वाली में कमी थी ना वो इसमें बिल्कुल खत्म कर दी है, पुरानी वाली से तो बहुत अपग्रेड कर दी है सर, लग ही रहा है वो तो देख के ऐसा लग रहा है कि मैं कोई ऑडी भी चला रहा हूँ सर बताऊँ, और साउंड क्वालिटी ऑडियो क्वालिटी भी सुना दो सर हमें, थोड़े कोई गाने वाने चला दो, चलाइए कौन से ब्लूटूथ से कहीं से भी चला लीजिए भाई, ब्लूटूथ करियो मैं करता हूँ रुको, ये सामने दिखा रही है स्टीयरिंग सीधा, थोड़ा सा भी इधर उधर करेंगे तो ये बॉल इधर उधर मूव होगी, उससे पता चल जाएगा मतलब स्टीयरिंग आपका मूव हो रखा है इधर, ये भी पता पड़ जाएगा कि आपकी व्हील अलाइनमेंट अलाइनमेंट और बैलेंसिंग ठीक है छोड़ दिया है, बैलेंसिंग अलाइनमेंट ठीक है या नहीं है। मेरे को तो ब्रीजा बढ़िया लगी, अब बात कर लेते हैं थोड़ी वो उस पे जो मारुति के ऊपर सवाल उठते हैं बिल्ड क्वालिटी पे, सॉरी तो बिल्ड क्वालिटी बढ़िया सर इसकी, बिल्ड क्वालिटी देखिए ट्रेनिंग में तो हमें बताया नहीं कि बिल्ड क्वालिटी बढ़ी है नहीं बढ़ी है, लेकिन जो हम लोग रिव्यूज लेते रहते हैं उससे बिल्ड क्वालिटी बढ़ी है सर, पुरानी वाली से बेटर कर लाइट, और ये शीशा भी आई थिंक जब लाइट पड़ती है टिंट हो जाता है, बिल्कुल बिल्कुल क्या बात है भाई बहुत बढ़िया लगता है, और ये रहा सनरूफ, लो जी सनरूफ भी खोल दिया, सही है टिक टाक सनरूफ है, सनरूफ दे दिया है 5 सीटर में जो कि बहुत बढ़िया चीज है, और सनरूफ भी ठीक है मतलब बंदा निकल जाए बच्चे निकल जाएंगे, एक बंदा तो आराम से निकल जाएगा हमारे जैसा तो भाई मैं चलाऊंगा या नहीं। गाइस अब हम लोग चेक करने जा रहे हैं इसकी साउंड की क्वालिटी, और मारुति के स्पीकर है सर ने बताया, मारुति के स्पीकर है जेन्युइन, तो इसकी आज ऑडियो भी टेस्ट हो जाएगी, चलो चला दे भाई NCS, चलो मैं चला रहा हूँ NCS का मैंने लगा दिया, एक सेकंड ऐड आ रही है बस, म्यूजिक कर दो भी आप अपनी साइड से, वो रहा ना ब्लूटूथ क्या साउंड क्वालिटी है ना भैया बढ़िया नहीं है, एक नंबर के स्पीकर सर, तो इसमें क्या क्या अपग्रेड करा सर, स्पीकर कर दिए, सनरूफ कर दिया, थोड़ी सी हाइट बढ़ा दी, हाँ जी, और इंजन आपका अपग्रेड करके दे दिया इंजन मतलब फिल्टर कर दिया जिससे माइलेज भी बढ़ गई, पावर भी बढ़ गई, और बिल्ड क्वालिटी भी थोड़ी सी अपग्रेड करी, और यह क्लाइमेट कंट्रोल दे दिया, बाकी तो सब आप देख ही रहे हैं, बाकी तो चलाने में तो मजेदार, चलाने में तो मजेदार
इसका एक बार स्पीडोमीटर देखो यार, क्या मस्त दे रखा है, मतलब यार लोडेड है बिल्कुल, जैसे लग्जरी कार होती है ना ऑडी बीएमडब्ल्यू टाइप, उस टाइप का कर दिया। चलो चला के पता तो चल गया, मेरे को पता ही कर रहा था कैसे फील क्या है, मतलब चलाने में कम्फर्ट है, वो तो है भाई मानने वाली बात। जब सबसे लॉन्च हुई है ना तब से सिर्फ कस्टमर से हमारे पास ब्रेक जाके आ रहे हैं, बाकियों के आ ही नहीं रहे। नहीं आते हैं जैसे पहले आते थे, और उतने नहीं आ रहे, ब्रेजा के ज्यादा आ रहे कंपैरेटिवली। वो नई चीज आ गई ना, उनको देखना है कि कैसी है क्या है, इतनी चीजें हैं। और चाबी थोड़ी बेसिक दी है, चाबी में कुछ करना चाहिए था, है ना। चाबी तो मारुति की हर, अरे भाई हाथ जोड़ वाले, अरे जाना बेटा स्क्रैच लग जाएंगे। स्टार्ट हो गई, क्या बात है यार, यह बढ़िया लगा यार। क्लच छोड़ो बंद, क्लच दबाया स्टार्ट, स्मार्ट हाइब्रिड, माइलेज का बहुत फर्क पड़ता है इससे। बढ़िया करती है, ड्राइविंग कंफर्ट करती है। और स्टीयरिंग ना इस बार ओवल दिया गया, मतलब गोल नहीं दिया, पूरा गोल होता है ना, इस बार ओवल कर दिया। हाँ, ओवल सा शेप दिया हुआ, ग्रिप बनती है लॉन्ग रूट पे, क्योंकि वोक्सवैगन भी ये ऐसा ही देता है ओवल भी, क्योंकि मेरी पोलो का भी ऐसा ही है, और अब बहुत सारी कंपनियां ओवल दे रही हैं, तो ये ओवल वाला मेरे को बेस्ट लगा। अरे भाई मुझे चिपका चिपका के जा रही है तो यार, स्टीयरिंग रैप भी लगा लगा है मिलेगा टॉप मॉडल में, टॉप मॉडल इससे भी नीचे वाले में नहीं मिलेगा, ZXL प्लस में उन दोनों में मिलेगा, उसके नीचे वाले में नहीं मिलेगा। क्या स्टीयरिंग भी कंपनी रैप करके दे रही है, मतलब बाहर से कुछ करवाने का, आफ्टर मार्केट कुछ कराने का है ही नहीं। ZXL प्लस में कुछ करवाने की जरूरत है आपको, वही तो इसमें ये दे दिया वो दे दिया, इंटीरियर बिल्कुल मॉडिफाई कर, सीट कवर भी अच्छे हैं, सीट कवर भी छिड़वाने की कोई जरूरत नहीं लगी मेरे को, बस ये डिफरेंस है थोड़ा एलो व्हील्स का अंतर है। हाँ, उसमें नॉइस में, इसमें डायमंड कट वाले, इसमें तो ब्लैक कलर है। हाँ, उसमें प्रेशर डायमंड कट है। अच्छा, और क्रोम कलर का, इसमें 9 इंच का, उसमें 7 इंच का है। अच्छा, ये अंतर है बस, थोड़ा माइनर से, माइनर थोड़े बहुत अंतर है। मैं सोच रहा था पीठ में पसीना क्यों नहीं आ रहा, वरना आ जाता है अब तक। और सर एयरबैग्स कितने हैं इसमें, 6? क्या बात है यार, बहुत बढ़िया। अच्छा ये रही सामने आ गई पुरानी ब्रेजा, ये विटारा ब्रेजा है, लेकिन इस बार के इस मॉडल में लोगों ने सिर्फ ब्रेजा करा है, लेकिन विटारा का अलग से मॉडल आ रहा है ना इस बार, विटारा का ही मेंशन नहीं है, ओनली ब्रेजा मेंशन है। अच्छा, गाइस पूरी आपको विटारा ब्रिजा दिखा रही, और इतनी भीड़ थी ना टेस्ट ड्राइव पे, जैसे ही हम आए हमने मान लिया लंबा राम, उस भाई के पास इतने फोन आए, वो कह रहे सर सर सर, कह रहे सर मैं और नहीं बता पाऊंगा, आप गाड़ी शोरूम में लाओ वरना मेरी नौकरी दांव पे, हम फटाफट भगा के लाए। गाड़ी बढ़िया है, सारे स्पेक्स में हमने डाल दिए वीडियो में, ऑलमोस्ट दिखाई दिए होंगे, बाकी आप लोग गूगल पे, इंटीरियर भी दिखा दिया, चला के भी बता दी, चलाने में बहुत मजेदार है, बिल्ड क्वालिटी सर ने बताई बढ़िया है, तो आई थिंक ओके है, फिर तो सभी बढ़िया है, तो फिर तो वीडियो लाइक कर देनी चाहिए लोगों को, क्यों भाई कर देनी चाहिए भाई, लाइक कर देनी चाहिए, शेयर कर देनी चाहिए, सारी ट्रेंडिंग गाड़ियां मैं दिखा रहा हूं, देख लो आपके लिए, क्योंकि आप लोगों ने बोली है कमेंट में, तो मैं दिखा रहा हूं, और कोई भी ट्रेंडिंग कार आएगी कमेंट करना, और हम दोनों भाइयों को इंस्टाग्राम पे फॉलो करना, आईडी आ रही होगी, तो चलें भाई घर चलते हैं भैया, बारिश का मौसम भी आ रहा है, बारिश ना आ जाए, बारिश ना आ जाए फंस जाएंगे, वैसे ही बाइक से आए हैं केटीएम से, तो चलो भगते हैं फटाफट। अरे भाई का नाम क्या है, करने को करा दूं मैं भी छावनी परेड, पर अपने माथे पड़ते सारे बावली तरेड, मुझसे पहले लड़के आ जाएंगे सूत ने, और तेरे लूप पे चूत बजेंगे, टूथ पे लेवल 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 ही अलग है तेरे भाई का।